Career School, Playgroup onwards, providing modern education with values for decades. Admission open for all the classes in Misir Pokhara, Madhwadi, Dashashwamedh branches in Varanasi. आप लोगों की भेज पूछा तो उसके अच्छा आप लोग यहाँ बैठे क्यों बस ये लगा रखा है आपने बेरोजगारी के कारण अभ्यास विच्छेदन इसका क्या अर्थ है बेरोजगारी के कारण हर चीज की ट्रेनिंग होती है जिससे हम लोग भीख मांगने का अभ्यास और ट्रेनिंग दे रहे हैं ताकि हम लोग अपना परिवार चला सके। तो आप चाहते हैं देश का सारा युवा आपके साथ बैठे? जो परेशान होगा जरूर भीख मांगेगा क्योंकि आज के समय में अवसादग्रस्त होके नौजवान आत्महत्या कर रहा है। आप एक युवा है और हमारे शहर के अच्छे नेता है तो आप यहाँ बैठे तो इसका अर्थ है कि युवा आपके साथ बैठे हैं। पूरे देश में 65% नौजवान है जिनकी उम्र 35 साल है और सभी नौजवान के ऊपर कंधे पर कोई ना कोई जिम्मेदारी है और भविष्य बेरोजगारी की तरफ उस जिम्मेदारी को निभाने और लगातार लोग अवसादग्रस्त से आत्महत्याएं कर रहे हैं। पूरे देश में 2018-2019 में लगभग 25,000 नौजवानों ने बेरोजगारी के कारण आत्महत्या कर लिया। किसानों ने लगभग 20,000 दो सालों में आत्महत्या कर लिया। तो मैं आत्महत्या नहीं करूँगा, सरकार से कोई उम्मीद भी नहीं करूँगा, इसलिए मैं भीख मांगने का प्रयास कर रहा हूँ और सीख रहा हूँ। मैं अभी मुझे नहीं पता कि भीख कैसे मांगूंगा, लेकिन भीख मांगना बहुत कठिन है। अपने आप को अपने अंदर अपना को मारना पड़ता है, ये मुझे यहाँ बैठ के एहसास हो रहा है। जैसे हमने देखा है कि आप युवा हैं और हम नेता हैं तो आपके फॉलोवर जो है युवा हैं तो आपको देख के युवा भी सारे भीख मांगने लगेंगे। मेरा यही कहने का मतलब है कि सरकार रोजगार पर ध्यान दे ताकि कोई आत्महत्या ना हो। भैया हम अभी दर्शक ना होगा बिल्कुल आत्महत्या करने तो अच्छा कि आप भीख मांग के खा लें। बढ़ती बेरोजगारी के कारण आज आदमी आत्महत्या और सरकार के पास रोजगार नहीं है और मुझे भीख नहीं मांगने आता क्योंकि हर चीज की ट्रेनिंग होती है ना। तो भी ये अभ्यास कर रहा हूँ, प्रैक्टिस कर रहा हूँ। सारे रोजगार सब आपके साथ अभ्यास करने बैठ जाएंगे अभ्यास करेगा क्योंकि जब अगर आप फौज में जाते हैं तो अभ्यास करते हैं, डॉक्टर बनते हैं या एथलीट बनते हैं तो अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। इसलिए मैं भी कमरे का अभ्यास कर रहा हूँ। तो इसमें सरकार अगर कहीं भी इसमें सरकार ने कहीं गलत फॉर्म ले लिया आप सरकार भी बंद कर दिया आपके साथ सारे बाहर चले जाएंगे। सरकार को जो लेना है ले, मुझे जो करना मैं कर रहा हूँ और यहाँ इतनी पब्लिक है क्या रोजगार बेरोजगारी में तो नहीं परेशान है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी है और इसी बनारस में 2 महीने के अंदर 3 परिवारों ने सामूहिक आत्महत्या कर दिया अरे बेरोजगारी के तहत। और मैं आत्महत्या नहीं करूँगा, भीख मांग के खा लूँगा। आत्महत्या नहीं करूँगी क्योंकि भीख नहीं मांगने आता, इसलिए प्रैक्टिस कर रहा हूँ। चलिए तो हम युवा आपके साथ हैं बिल्कुल और सर अगर इसी तरह आप बैठे रहे जगह जगह तो आप देखेंगे सारे युवा आपके साथ बैठे हुए दिखाई देंगे। देखते सरकार लगता है यही चाहती है, देखते आगे क्या होता है। सार्थक सर्जिकल सेंटर जहां अत्याधुनिक लिथोट्रिप्सी मशीन द्वारा गुर्दे की पथरी का बिना ऑपरेशन के सफल इलाज, एक ही छत के नीचे सारी सुविधाओं के साथ एक संपूर्ण हॉस्पिटल, एकता चौराहा पहाड़िया वाराणसी। स्कॉलर्स वैली अ होम ऑफ एजुकेशन, प्ले ग्रुप टू क्लास 8, कॉल 9235442970, नियर उकार हॉस्पिटल सुंदरपुर वाराणसी। एजुकेशन पार्टनर विद टाटा क्लास 8। मैं रविकांत विश्वकर्मा। रवि जी कैसा ये विच्छेदन कर रहे अभ्यास? देखिए न मैं तो पागल हूँ, न विक्षिप्त हूँ और न ही बीमार हूँ। आज अगर दुनिया में आप किसी से ये पूछिए कि आपकी सबसे पहली ज़रूरत क्या है तो वो कहेगा रोटी और रोज़गार। एक समाजवादी लोकतंत्र में सरकारें सबको रोज़गार देने की गारंटी देती है, लेकिन आज आदमी बेरोजगारी से इतना ज़्यादा परेशान है
कि वो अवसादग्रस्त में आत्महत्याएं कर रहा है। वर्ष 2018 और 19 को अगर देखें तो लगभग 25,000 नौजवान बेरोजगारी के कारण आत्महत्या कर लिए। 2018-2019 देखें तो किसान लगभग 20,000 की संख्या में आत्महत्या कर लिए। तो मैं भी नौजवान हूँ और पूरे देश में 65% नौजवान है, ये भारत नौजवानों का देश है और जिनकी उम्र 35 वर्ष के पास है। आज हमारे पास कोई विकल्प नहीं है और मैं नामर्द नहीं हूँ कि आत्महत्या करूँगा, इसलिए बेरोजगारी के तहत बैठ के भीख मांगने का प्रयास कर रहा हूँ, अभ्यास कर रहा हूँ। क्योंकि आज जैसे हर चीज़ की ट्रेनिंग होती है ना, तो उसी तरह भीख मांगने की एक ट्रेनिंग, एक प्रैक्टिस होती है, वो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मुझे भीख मांगने पर ये समझ में आ रहा है कि अगर कोई जो भीख मांगता है पहले अपने आप के अंदर आत्मा को मारता है, तो अपने आप को मारने से अच्छा अपनी आत्मा को मार लें और भीख मांग के अपना जीविकोपार्जन कर लें। क्योंकि इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं है, ये सरकार किसी को कुछ नहीं देने वाली है। लगातार सरकारी नौकरियों में, प्राइवेट नौकरियों में छटनी हो रही है, जिसके वजह से लोग बेरोजगार हो रहे हैं। सरकार रोजगार पर न ध्यान दे के लोगों का ध्यान भटकाने का प्रयास करती है। सरकार विभाजन का काम करती है, सरकार जोड़ने का काम नहीं करती। इसीलिए मैं बाबा संकट मोचन के दरबार में जो संकट हरण है, अपने संकट हरण करने के लिए, नौजवानों का संकट हरण करने के लिए भिक्षाटन का काम कर रहा हूँ और भीख मांगने का अभ्यास कर रहा हूँ।